हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है NCLAT के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, सारा कंटेक्स्ट क्या है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, अभी हम कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी, हमने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर कुछ फाइन है वो लगाया था। क्यों? क्योंकि गूगल ने जो कंपटीशन है उसको प्रमोट नहीं किया था, कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से कंपटीशन में उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की थी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कंपटीशन या प्रतियोगिता के माहौल को डिक्रीज किया था। क्या माहौल इशू था वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, गूगल ने क्या किया था, आपको पता है कि गूगल मेनली सर्च इंजन की सर्विस वो प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ गूगल है वो अपने पर्सनल मोबाइल वगैरह इस तरीके की चीज़ें वो भी गैजेट्स वगैरह वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च कर गए उन्होंने। अब इश्यू ये था कि गूगल ने किया क्या था कि जो अपनो प्रोडक्ट्स है ना वो सर्च लिस्ट में ऊपर ही ऊपर दिखा रहा था। मतलब अगर कोई भी से कर रहा कि स्मार्टफोन बाई, तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो फोन्स वगैरह हैं उनको सबसे ऊपर की लिस्ट में दिखा रहा था। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा था। तो उसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन वो लगा दिया था। अमाउंट वगैरह हमारे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तब जब गूगल के ऊपर ये फाइन लगा गया तो इसलिए गूगल साहब हैं वो गए हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास कि भाई हमारी सुनवाई कीजिए, हमारे ऊपर एक गलत आरोप वगैरह लगे हैं इसके लिए। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह एक्चुअली आपको बता दो, सबसे पहले क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी है। मतलब इसके पास कुछ अर्ध न्यायिक शक्ति है न्यायिक की तरह, यह कुछ तरीके से जो सिविल कोर्ट की तरह भी इसके पास कुछ पावर होते हैं लिमिटेड मात्रा में। इसी के साथ ही देख लेते हैं बनाई गई, इससे मेनली 2013 में कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया था और जून 2016 में इसे एक्टिव फॉर्म में मेनली है वो लाया गया था। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं आगे कि इसका वो काम का क्या है। इसका काम देखो यह है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का कि भाई एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के जो भी केसेस होते हैं ना उनकी सारा सुनवाई करने का काम करती है NCLAT। इसके साथ ही अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी केस डिसीजन लेता है, जैसे अभी उन्होंने गूगल के खिलाफ डिसीजन लिया था, उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई वगैरह करनी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो केस है अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो करेगा NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके द्वारा। तो बेसिकली कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का काम यही कि अगर कोई भी कंपनी के बीच में विवाद वगैरह हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए। इसी के साथ इसमें एक चेयरमैन होते हैं जिनकी नियुक्ति वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसी के साथ इसमें चार मेंबर हैं वो भी होते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि UPSC एग्जाम वगैरह में हमें पूछ सकती है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है NCS के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में। तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है ना, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि जो भी कर्मचारी हैं हमारे देश के वो अपनी जो भी इश्यूज वगैरह हैं, जो भी उनकी कंप्लेन वगैरह हैं, जो भी उनकी ग्रेवांसेज वगैरह हैं, उनको एक्चुअली ऑनलाइन ट्रैक वगैरह कर सकें, अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकें, उनको मॉनिटर वगैरह कर सकें, इन सब के लिए एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है ना, यह एक्चुअली आपको बता दूं कि स्टेचुरी बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये कुछ बेसिक चीज है। इसके साथ इसका काम क्या है, देखो सफाई कर्मचारी जो कमीशन है इसका मेन काम यह है कि हमारे देश में जो भी कर्मचारी है एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में उनके इंटरेस्ट को बनाए हुए रखना, तब उनके हितों की रक्षा बनाने के लिए एक तरीके से ग्रुप है वो बनाया गया है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इस ग्रुप का काम यही है कि भाई जो भी हमारे देश में एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय को जो उनके हित से जो भी उनके राइट्स हैं उनको सिक्योर करना ताकि उनको कोई भी कोई इश्यूज वगैरह ना हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है आर्सेनिक पोल्यूशन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई आर्सेनिक पोल्यूशन है उसकी मात्रा इंडिया के कुछ शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ती है वो जारी है। तो देखो थोड़ा आपको यूपीएससी एक तो ये पूछ सकते हैं कि आर्सेनिक का पानी मतलब आर्सेनिक की जो मात्रा है वो कौन कौन से एरिया में ज्यादा है। तो जैसे आपको थोड़ा मैप के थ्रू मैं बता दूं कि जैसे ये हमारा एक सेकंड, ये मान लो इंडिया का मैप होगा टेढ़ा मेढ़ा। तो इंडिया के मैप में मेनली जो ईस्टर्न वाली जो है ना, यहाँ पे बिहार हुआ, इसके साथ ही झारखंड हुआ, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हुआ, इन छत्तीसगढ़ वाले, इन वाले एरिया में आर्सेनिक की मात्रा ना काफी ज्यादा है। तो ये हमें ध्यान रखना कि इस वाले क्षेत्र में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। और जो फ्लोराइड की मात्रा है वो है इधर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा वाले, इन वाले एरिया में फ्लोराइड की मात्रा वो ज्यादा है। तो इस तरीके से थोड़ा बेसिक चीज के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। आर्सेनिक है वो देखो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ जो ईस्टर्न स्टेट है उनमें भी काफी ज्यादा मात्रा में, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे बायोरेमिड,
बायोरेमेडिसिन के बारे में। तो बायोरेमेडिसिन की हेल्प से पता क्या होता है, पोल्यूशन को कम करने की बात हो की जा रही है। अब बायोरेमेडिसिन होता क्या है, देखो बायोरेमेडिसिन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे अच्छे, देखो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, तो उनका यूज है ना, वो एक्चुअली ह्यूमन मतलब इंसान उनका यूज क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिग्रेड वगैरह कराना हो, जैसे कि खाद वगैरह बनाते टाइम जो भी कीट वगैरह है, जो भी एक तरीके से बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं कि खाद को खत्म कर देते हैं और उसके साथ उसका यूज हो प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन को आगे प्रमोट करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं बायोरेमेडिएशन। मतलब कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कि सही किसी बेकार चीज को गला वला के खत्म कर देते हैं, तो वो चीज होती है बायोरेमेडिएशन। तो इसकी वजह से क्या हेल्प, इसका फायदा ही होता है कि देखो पानी में जो आर्सेनिक अगर पाया जाता है ना, तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है अभी रिसेंटली, उनका नाम रखा गया है आर्सेनिक K1 और इसके साथ AK9। तो ये ध्यान रखना है AK1 और AK9 है वो एक आर्सेनिक के एक बैक्टीरिया है ऐसे, जिनको बायोरेमेडिएशन की हेल्प से मतलब क्या होगा कि पानी में जो आर्सेनिक की मात्रा ना उसको खत्म किया जाएगा। मतलब साफ ये है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा को कम करने के लिए दो बैक्टीरिया हैं, उनको खोजा गया है, जिनका नाम है AK1 और AK9। ये सारा कंटेक्स्ट है। अब चीज हमें यह ध्यान रखनी, एक वर्ड और यहाँ पे, वो है आर्सेनिक 3 और आर्सेनिक 5। आर्सेनिक 3 का मतलब ये होता है कि वो पानी जिसमें आर्सेनिक की मात्रा है वो एक्चुअली 0.05% से ज्यादा है, उस कंडीशन में पानी पीने लायक नहीं होता है। और आर्सेनिक 5 का मतलब होता है कि आर्सेनिक की मात्रा उसमें नॉर्मल है, उसको हम यूज है वो कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज थी आर्सेनिक के बारे में कि आर्सेनिक का पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। AK1 और AK9 के बारे में आप ध्यान रखने ला, ये क्या चीज है। इसके साथ ही आर्सेनिक अगर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में चला जाता है तो उससे किडनी फेल हो जाती है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, इसके साथ लीवर को भी इफेक्ट है वो करता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नीति फॉर्म फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो देख लेते हैं इसके बारे में कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि नीति फॉर्म फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी इसकी समिट है वो किया गया था, अभी इसकी मीटिंग है वो होस्ट हुई थी, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो हम जान लेते हैं कि नीति फॉर्म है क्या। देखो यह नीति आयोग का एक फॉर्म है जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट में जो भी भागीदारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उसको आगे प्रमोट करने के लिए। अब देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने क्या कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया को डेवलप करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया की डेवलपिंग है वो काफी डेवलप का जो इश्यू है वो काफी पीछे रह गया था, तो उसके उसे गवर्नमेंट ने भी काफी सारी स्कीम्स वगैरह लेके आई थी ताकि कैसे भी हो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में इस फॉर्म की स्थापना वो की गई थी, फेब्रुवरी में एक्चुअली फॉर्म है वो बनाया गया था। तो इसकी क्या होता है, टाइम टू टाइम मीटिंग या रिव्यू होता है ताकि देखा जा सके कि भाई किस लेवल पे काम हो रहा है, कहाँ क्या कुछ और नए स्टेप उठाने की हमें जरूरत है। तो इसलिए जो भी नई मीटिंग हुई है, नए एक तरीके से नए जो आप बोल सकते हो रिव्यू हुआ है, उसमें ये चीज सामने आई है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए साथ जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है ना उनको हमें कंप्लीट टाइम पे करना है। इसके साथ एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो डेवलपिंग स्टेट्स है ना उनको रिव्यू करने के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि उन स्टेट्स में ये चीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई वहां पे इस चीज की तो कमी है और इस एरिया में अभी भी एरिया मतलब इस एरिया में एरिया पिछड़ रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये स्टेप उठाने की जरूरत है। इसी के साथ ही हम काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के ये रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूटिलाइज वगैरह कर सके। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट की, जो डोनर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को या इस फॉर्म को आयोजित वो किया गया, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो इसमें एक्चुअली हेड होंगे, इसके साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम थोड़ा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मैप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसपे यूपीएससी बेसिक कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती है। तो इसको भी मैप को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली मैप है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें सिक्किम भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड है, तो यह है सिक्किम की लोकेशन। इसके साथ ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, यह है मेघालय यहाँ पे, और यह है पे आसाम जो काफी लंबा में काफी एरिया में फैला हुआ है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे नागालैंड है, ये यहाँ पे मणिपुर है, ये मिजोरम है और यहाँ पे त्रिपुरा है। यूपीएससी इनकी लोकेशन वगैरह के बारे में पूछ लेती है कि भाई कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, इनको नॉर्थ टू साउथ वगैरह भी अरेंज है वो करवा सकती है। जो म्यांमार का बॉर्डर है वो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है। इसके साथ ही यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को टच करता है, ना कि त्रिपुरा को। त्रिपुरा को जो बॉर्डर है वो ओनली और ओनली बांग्लादेश का ही बॉर्डर है वो टच करता है। अब आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन वो ये बताना है कि यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन वाला जो एरिया ना, जिसमें एक्चुअली ये यहाँ पे देख सकते हो कि एक साइड तो इंडिया का बॉर्डर टच हो रहा है यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे चाइना का बॉर्डर वो टच हो रहा है, और एक साइड यहाँ पे जो बॉर्डर टच हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे म्यांमार का। तो इस ट्राई जंक्शन वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक पास भी है, उस पास का नाम भी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा दर है, कौन सा पास है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिक्किम में भी एक पास है जो कि एक्चुअली जो कैलाश यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं वो इस रास्ते से होकर जाते हैं, उस पास का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों पास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है UNHRC के बारे में, यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में। कंटेक्स्ट ये
को तो इतना कुछ था नहीं इसके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बॉडी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो UNHRC है वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, नाम से थोड़ा पता चल रहा है। और काम क्या है इसका, काम यह कि यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है उसके लिए काम करती है। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो डेवलपमेंट ग्रुप, सॉरी यूनाइटेड नेशन के जो भी रिफ्यूजीज के प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो UNHRC के द्वारा चलाए जाते हैं, ताकि रिफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है उससे निपटा जा सके। लास्ट ईयर भी है बॉडी काफी न्यूज में थी, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में जो रिफ्यूजीज के क्राइसिस उत्पन्न हुए थे उनसे निपटने के लिए इसने काफी अहम रोल है, काफी योगदान है वो निभाया। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप है उसका भी UNHRC वो एक सदस्य है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट वो आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन हायर जो कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है उसको 1954 और 1981 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने रिफ्यूजीज के लिए काफी अच्छा काम है वो किया था। तो ये चीज यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल सेफ मदरहुड डे के बारे में। तो कल थी 11 अप्रैल और 11 अप्रैल को हर साल एक्चुअली नेशनल सेफ मदरहुड डे है वो मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में। तो इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी जो केयर वो इस बार की थीम थी और है क्या एक्चुअली, इसके बारे में आप देख लेते हैं। देखो बात यह है कि 11 अप्रैल को हर साल जो मदरहुड डे है ये मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। इसमें यह प्रावधान किया गया ताकि हमारे देश में जो मदरहुड की लाइफ है, जो मातृत्व की लाइफ है, उसको प्रमोट किया जा सके। इसके साथ ही जो मैली और भी फैसिलिटी जैसे स्तनपान वगैरह की उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब ऑल ओवर बात ऐसी है कि हेल्थ हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई, इसके साथ ही वुमेन में जो एनीमिया रोग होता है उन सबसे निपटने के लिए अवेयरनेस है वो चलाई जाती है। किसके द्वारा, ये एक एनजीओ है जिसके द्वारा होस्ट किया जाता है हर साल। अब एनजीओ का नाम क्या है, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। तो ये ध्यान रखना, ये एक एनजीओ है व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, उस एनजीओ के द्वारा इसको होस्ट हर साल आयोजित है वो किया जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक न्यूज आज की जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्चुअली वन धन विकास केंद्र के बारे में। इसके बारे में हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन ये है कि वन धन विकास केंद्र है, इसके बारे में आपको बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था। पहला ऑप्शन है वो है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, दूसरा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, और तीसरा है वो है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में देखो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली GDP के बारे में। आपको बताना है कि भारत का जो इंटरनल ट्रेड है उसके बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, ध्यान से सुनना, कि भारत में जो वस्तुओं का इंटर स्टेट ट्रेड होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड होता है, वो GDP के 10% से भी कम है। मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है वो 10% से भी कम होता है। ये बात याद है कि हमारे देश की जितनी GDP है उसका 10% से भी कम होता है। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट वो ये है कि महाराष्ट्र है वो भारत में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, इसके साथ सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। मतलब महाराष्ट्र है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर और निर्यातक, और इसके साथ एक्सपोर्टर का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब होगा निर्यात सॉरी, और इंपोर्ट का मतलब होगा आयात। मतलब महाराष्ट्र है वो आयात भी सबसे ज्यादा करता है और निर्यात भी सबसे ज्यादा। तो बताना कि दोनों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश में आपको बता दूं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड होता है ना वो अप्रोक्सीमेट होता है GDP का 60% के आसपास। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो जाता है गलत। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र है वो हमारे देश का सबसे बड़ा इंपोर्टर स्टेट है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। मतलब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वस्तुओं का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली है उजाला प्लस स्कीम के बारे में, सॉरी उज्ज्वला प्लस स्कीम के बारे में। तो एक सेकंड, उज्ज्वला प्लस स्कीम के बारे में आपको बताना है, पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन को लाने के लिए इस स्कीम को सॉरी इंप्लीमेंट है वो किया गया था। नेक्स्ट है वो ये है कि इस स्कीम को एक्चुअली हमारे देश में खाना पकाने के लिए जो बेसिक सुविधा है उनके तहत जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। 2011 का जो सोशल इकोनॉमिक सेंसस है उसको इसमें यूज है वो किया गया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में जो लोग खाना खाते हैं उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को एक्चुअली है वो शामिल किया गया। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखने की उज्जाना प्लस स्कीम के बारे में। जो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।